हे गाइस, आज हम जा रहे हैं गीता मंदिर और भटकेश्वर महादेव। तो चलते हैं, अभी हम रास्ते में हैं। सबसे पहले हम जाने वाले गीता मंदिर। गीता मंदिर से थोड़े पास में हमें मिल जाएगा भटकेश्वर महादेव मंदिर। तो चलते हैं, और वहाँ का जो समुद्र है बहुत अच्छा है, तो मैं वो आपको भी दिखाऊंगी। अब बस हम पहुंचने वाले हैं गीता मंदिर, और ये लीजिए हम पहुंच भी गए। आप देखेंगे कि जो अर्जुन है वो आराम से मुंह पे हाथ रख के कृष्ण जी से गीता सुन रहे हैं, और कृष्ण जी सुदर्शन चक्र पकड़ के गीता का उपदेश दे रहे हैं। और इस मंदिर की दीवारों पे गीता लिखी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है। आप ये पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिटी से लिखी गई है, जो मैं आपको शो कर रही हूँ। अब चलते हैं भटकेश्वर महादेव मंदिर। अब हम पहुंचने वाले हैं, और लीजिए हम पहुंच भी गए। कितनी सुंदर डिजाइन है इस मंदिर की, शिवलिंग टाइप में, और इसके अंदर के शिव जी बहुत सुंदर हैं, जिन पे हम जल चढ़ा रहे हैं। और ये हमारे भगवान विष्णु के कच्छप अवतार, और ये बैठे हमारे नंदी जी। भटकेश्वर मंदिर के बगल में जो समुद्र है वो बहुत अच्छा है, और जब उसकी लहरें आती है तो वो छींटे मारती हैं, जो कि बहुत ठंडी ठंडी और अच्छी लगती हैं। और ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अभी तक देख रहे हैं जो हम। हमने सोचा कि हम अपने लड्डू गोपाल को भी बैठा के थोड़ा सा नहलवा देते हैं, तो हमने उनको भी बिठा दिया। समुद्र की छींटे आ रही हैं उनके ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो घर जाने का टाइम आ गया है, तो घर जाते हैं। शाम को आप देख सकते हैं कि मंदिर का ध्वज चेंज हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी आप देखेंगे ध्वज को फहरते हुए, और जरूर देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट में जरूर जय द्वारकाधीश लिख लीजिएगा। तो नाउ मैं अब आपको अपनी कुछ फोटोज शो कर रही हूँ।
हमारा द्वारिका के सारे डेज पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपको डालूंगी सोमनाथ के डेज, तो वो भी जरूर देखिएगा, उसको मिस मत करिएगा।